अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सब पास हो चुका है। 70,000 कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट और अब 8 जून से वो कैमरे लगने चालू हो जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक ये सारे कैमरे, अभी अभी मैंने मीटिंग ली है सारे ऑफिसर्स की, इसके अलावा 1,40,000 और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा, तो लगभग 2,80,000 टोटल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे जिनके लगने का काम 8 जून से चालू हो जाएगा। स्कूलों के अंदर अलग से कैमरे लग रहे हैं, 1.5 लाख कैमरे सारे सरकारी स्कूलों के अंदर कैमरे लगना शुरू हो चुका है और नवंबर तक सारे कैमरे लगकर तैयार हो जाएंगे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी के घर से जब एक उसकी बेटी या उसकी पत्नी या बहन घर से बाहर निकलती है सुबह नौकरी के लिए या नीचे बैठ जाओ यार कॉलेज के लिए स्कूल के लिए, तो एक परिवार के लोगों का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सही सलामत वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें जो कि अब ज्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की जरूरत नहीं है, बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं और हम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकरेज करेंगे जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके, लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाहते हैं। एक ईमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूँ, delhiwomensafety@gmail.com और एक एड्रेस है चेयरमैन डीडीसी 33 श्यामनाथ मार्ग दिल्ली 54। तो या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।